बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पीछे वर्ड रूट और सफिक्स के बारे में सीख चुके हैं, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। आज हम बात करेंगे इसका अगला स्टेप की, जिसका नाम है प्रेफिक्स, है ना। प्रेफिक्स, प्रेफिक्स भी मेनली कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। प्रेफिक्स हमारा दो प्रकार की होती है। फर्स्ट प्रेफिक्स को हम लोग क्या कहते हैं? प्राइमरी प्रेफिक्स। और दूसरा को क्या कहते हैं? सेकेंडरी प्रेफिक्स। चलिए बात करेंगे हम पहले प्राइमरी प्रेफिक्स की। प्राइमरी प्रेफिक्स, ध्यान समझिएगा, प्राइमरी प्रेफिक्स इंडिकेट द साइक्लो इन साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लो इन साइक्लिक कंपाउंड। प्राइमरी प्रेफिक्स इसको इंडिकेट करता है साइक्लो को, किस प्रकार का कंपाउंड में? साइक्लिक कंपाउंड में, वो कंपाउंड जो क्या बनाता हो? साइकिल के फॉर्म पे स्ट्रक्चर बनाता हो। और उस कंपाउंड का नाम लिखने से पहले हम किसका यूज करेंगे? साइक्लो का यूज करेंगे। समझ आ गया? और यही हमारा क्या कहलाता है? प्राइमरी प्रेफिक्स कहलाता है। चलिए एग्जाम्पल में चलेंगे तो शायद बेटर समझ में आएगा। समझ में आ गया? फॉर एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3। हम जब पढ़ रहे थे तब बता चुके हैं कि साइक्लिक कंपाउंड के लिए कम से कम हमको 3 कार्बन एटम की आवश्यकता होती है। अब 2 कार्बन एटम पे साइक्लिक कंपाउंड नहीं फॉर्म कर सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। समझ में आ गया? चलिए प्रीवियस की ओर देख के चले, यहाँ पे कितनी कार्बन है? 3 कार्बन को क्या कहते हैं? प्रो सिंगल बॉन्ड के लिए AN, इसका नाम क्या बनता है? प्रोपेन। क्या ये साइकिल पे है? है क्या ये साइकिल पे? नहीं है साइकिल पे। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका साइकिल पे है कि नहीं? तो यहां पे अगर हम कार्बन और हाइड्रोजन को भरना चाहें तो क्या लिखेंगे? CH2, यहां पर भी 2CH2। ये बातें समझ में आया होगा, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे कार्बन की संख्या कितना? 3 को क्या कहते हैं? प्रोप। सब जगह कैसा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड ही तो है, सिंगल बॉन्ड के लिए AN, क्या नाम बना? प्रोपेन। लेकिन अभी ये किसमें है? साइकिल के फॉर्म पे है, तो प्राइमरी प्रेफिक्स इंडिकेट साइक्लो इन साइक्लिक कंपाउंड। ये साइक्लिक कंपाउंड है तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है? साइक्लो को। तो इसका आगे हम क्या लिखने वाले हैं? साइक्लो। इसका नाम क्या बन गया? साइक्लो प्रोपेन बन गया। बात पकड़ में आया? क्लियर? चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 CH3, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4, 4 को ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए AN, क्या नाम बना? ब्यूटेन। इसको अगर हम साइकिल के फॉर्म में लिखना चाहें तो ये आपका साइकिल के फॉर्म में हुआ, यहां पे क्या हो जाएगा? CH2 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 CH2। कितना कार्बन? 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सब जगह सिंगल बॉन्ड, क्या लगाएंगे? AN, लेकिन किस फॉर्म पे है? साइकिल के फॉर्म पे, इसलिए यहां पर हम क्या लिखने वाले? साइक्लो। इसका नाम क्या बना? साइक्लो ब्यूटेन। ये देखिए, हो गया।
और एक आध एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए इसको गौर से, यहां पे क्या होने वाला, यहां पर कितनी कार्बन, फाइव को क्या कहते हैं, सबसे पहले सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के लिए, लेकिन किस फॉर्म पे है, साइकिल में है, मतलब प्राइमरी प्रेफिक्स लगेगा, प्राइमरी प्रेफिक्स क्या होता है, साइक्लो, क्या नाम हुआ इसका, साइक्लोपेंटेन, क्लियर। थोड़ी सी बातें और, अब बताइए यहां पे हम लिखना चाहें तो CH2, यहां पे CH, यहां पे ये कहां से आया पता चला ना, ये बॉन्ड को काउंट किए ना, वन टू थ्री और एक फोर, उसी तरह से यहां पे है कितनी कार्बन, फाइव को डबल बॉन्ड, जब किसी स्थान पर भी डबल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड को हम नहीं देखते, सिंगल बॉन्ड के लिए ईएनई और साइक्लो, इसका नाम क्या हुआ, साइक्लो पेंटिन, बात पकड़ी। डाउट है, बताइए इसका नाम, चलिए यहां पे सी एच टू, यहां पे वन टू थ्री फोर सी, यहां पर भी सी, सी एच टू, सी एच टू कितनी कार्बन, फाइव कार्बन को पेन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए वाई एन ई, किस फॉर्म पे है, यानी कि प्राइमरी प्रेफिक्स लगेगा, प्राइमरी प्रेफिक्स क्या नाम बना, साइक्लोपेंटाइन। हो गया ये, जल्दी बताइए, साइक्लो हेक्सेन, इसका नाम क्या होगा, साइक्लो हेक्सेन। कहीं पर डबल बॉन्ड आ जाए तो हेक्सीन, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो हेक्साइन, है कि नहीं, याद रखेंगे ये बेंजीन नहीं है, है ना, ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन है। हो गया, प्राइमरी प्रेफिक्स किसको इंडिकेट करता है, साइक्लिक कंपाउंड में साइक्लो को इंडिकेट करता है, ठीक। अगर कोई कंपाउंड किस फॉर्म में हो, साइकिल के फॉर्म में, तो उसका नाम के आगे हम क्या प्रयोग करते हैं, साइक्लो का प्रयोग करते हैं, क्लियर। सेकेंडरी प्रेफिक्स, हो गया, ध्यान दीजिएगा, सेकेंडरी प्रेफिक्स इंडिकेट सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप और सेकेंडरी प्रेफिक्स इन
हाइड्रो कार्बन कंपाउंड। सेकेंडरी प्रीफिक्स को हम सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप के नाम से भी जानेंगे, आप यह चीज याद रखना। पहले पढ़े थे वो प्योर हमारा क्या था, फंक्शनल ग्रुप। अभी जो सेकेंडरी हम प्रीफिक्स पढ़ रहे हैं वो सेकेंडरी फंक्शनल होगा। समझ में आया? चलो ध्यान दीजिएगा, जिसको हम सब्सटिट्यूटेंट ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानेंगे इसको? सब्सटिट्यूटेंट ग्रुप। सब्सटिट्यूटेंट ग्रुप के नाम से भी जानेंगे, लिख लीजिएगा, लिख लिए, दो कॉलम बना के चलिए। यहां पे लिख लीजिए सब्सटिट्यूटेंट ग्रुप, लिख लिए। यहां पे एसपी लिख दीजिए, एसपी का मतलब समझ में आता होगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स, लिख लिए। ध्यान दीजिएगा, सब्सटिट्यूटेंट ग्रुप आपका सिंगल बॉन्ड एफ, सेकेंडरी प्रीफिक्स यानी कि एसपी क्या होगा इसके लिए? फ्लूरो। क्या होगा? फ्लूरो हो गया, इसके लिए क्लोरो, इसके लिए ब्रोमो। बात पकड़ में आ रहा है? इसके लिए आयोडो। आगे एनो, नाइट्रोसो, नहीं एनो टू नाइट्रो, एनो टू नाइट्रो, एनो नाइट्रोसो। आगे आप नीचे इस तरह से बनाते जाएंगे, ठीक। ये आपका सब्सटिट्यूटेंट ग्रुप है, ये आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स। लिख लिए, चलिए आगे। NO2 नाइट्रो है सिंगल बॉन्ड, CH3 क्या नाम होगा इसका? मिथाइल। C2H5 क्या नाम होगा? इथाइल है सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी। क्या नाम होगा? मिथॉक्सी। ओ सी टू एच फाइव क्या नाम होगा? इथॉक्सी। बाकी हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पढ़ते चले जाएंगे। चलिए थोड़ा सा यहां पे लिख लीजिएगा, प्रिफ्रेंस टेबल, ये बातें आपको जाननी बहुत जरूरी है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में, ठीक। प्रिफ्रेंस टेबल में, आईयूपीएसी का प्रिफ्रेंस टेबल में सबसे फर्स्ट में प्रायोरिटी किसको दिया है? फंक्शनल ग्रुप को, ठीक। किसको दिया गया है? फंक्शनल ग्रुप को। दूसरा नंबर पे आपको दिया गया है डबल बॉन्ड को, ठीक। तीसरा प्रायोरिटी दिया गया है ट्रिपल बॉन्ड को, और फोर्थ नंबर पे प्रायोरिटी दिया गया है सेकेंडरी प्रीफिक्स को। याद रखेंगे आप ये सारी बातें। हाँ, ये ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड, इसका क्या मतलब उसको ध्यान से समझिएगा कि जब आप किसी का नामकरण कर रहे हो, अगर उसमें आपको फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे तो नंबरिंग आप उधर से ही करेंगे, क्लियर। अगर किसी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप नहीं हो तो जिधर से डबल बॉन्ड उपस्थित है
उधर से आप नंबरिंग करेंगे। ठीक, किसी कंपाउंड में अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों है तब भी नंबरिंग आप किधर से करेंगे, जिधर डबल बॉन्ड नजदीक हो उधर से करेंगे। बात पकड़ में आया हम यहां पे क्या बोलना चाह रहे हैं? ये है आपका प्रिफरेंस टेबल, किसका? आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करते समय का। क्लियर? चलिए देखते हैं, मिटा दे इसको। राइटिंग द आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर इन एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन जब हम एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का क्या करेंगे, नामकरण करेंगे, तो किस तरह से नामकरण करेंगे उसको आप ध्यान दीजिएगा। ये फॉर्मूला गांठ बांध लीजिए। ठीक, चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या फॉर्मूला? एसपी का मतलब सेकेंडरी प्रेफिक्स प्लस पीपी प्राइमरी प्रेफिक्स हो गया प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स, पीएस का मतलब प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। इस पैटर्न पे आप क्या करेंगे, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करेंगे। क्लियर? आपने प्रिफरेंस टेबल पढ़ की चुका नोमेनक्लेचर करते समय का, पढ़े ना अभी? चलिए ध्यान दीजिएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2, CH2, NH2, NO2। फॉर एग्जाम्पल है प्रेफरेंस टेबल में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिला? फंक्शनल ग्रुप को। यह बातें आप जान के रखें अभी। तो बताइए यहां पे फंक्शनल ग्रुप कौन है? NO2। कौन है फंक्शनल ग्रुप? नहीं पता, NH2। तो सबसे ज्यादा वरीयता NH2 को मिला है। तो इसका यह मतलब हुआ कि जिधर से हमारा फंक्शनल ग्रुप नजदीक होगा उधर से हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। समझ पा रही है? तो नजदीक किधर से पड़ेगा, इधर से। नंबर सिर्फ कार्बन को करेंगे, आप याद में रखेंगे, और उस कार्बन को करेंगे जो केवल सीक्वेंस में हो, लाइन पे हो, लंबी चैन पे हो। समझ में आ गया? चलिए नामकरण करते हैं। वन टू थ्री फोर, ये कार्बन नहीं है यहां, कार्बन को केवल नंबर करेंगे। ठीक, चलिए ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला यूज करते हैं। एसपी सेकेंडरी प्रेफिक्स, यहां पे सेकेंडरी प्रेफिक्स कौन है, कौन है सेकेंडरी प्रेफिक्स? अभी लिखे ना आप सेकेंडरी प्रेफिक्स कौन है? NO2। NO2, NO2 के लिए क्या लिखते हैं? नाइट्रो। कितना पोजीशन पे है? है। उसके बाद प्राइमरी प्रेफिक्स, प्राइमरी प्रेफिक्स इसको निकट करता, क्या ये साइकिल पे है? तो वो हट जाएगा। ठीक, आगे चलिए, वर्ड रूट। वर्ड रूट मीन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम, कितनी संख्या में कार्बन? चार को क्या कहते हैं, कहते हैं कि नहीं? आगे चलिए, प्राइमरी सफिक्स, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन एनी टू कार्बन एटम, कैसे बॉन्ड है यहां पे, सिंगल बॉन्ड के लिए ए एन ई, लास्ट में सेकेंडरी सफिक्स किसको इंडिकेट करता, सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप को।
करता है। फंक्शनल ग्रुप आपका क्या? NH2 का एमीन। नहीं पढ़े? पढ़े हैं। NH2 का क्या? एमीन। नोट करके आप ये भी लिखे हैं कि सेकेंडरी सफिक्स अगर ए ई आई ओ यू एंड वाई से स्टार्ट हो तो सेकेंडरी सफिक्स का टर्मिनल लेटर ई नेगलेक्ट हो जाता है कि नहीं? तो यहां का ये ई क्या हो जाएगा? हट जाएगा और लास्ट में क्या जुड़ जाएगा? एमीन जुड़ जाएगा। इस तरह से इसका एक नाम सामने आता है। क्या नाम बना? 3-nitrobutanamine। बात पकड़ में आया? ये फॉर्मूला से हमारा नाम बना। क्लियर? थोड़ी सी और जानकारी ध्यान दीजिएगा। 3-nitrobutane ई तो हटेगा, NH3 मतलब NH2 क्या है? एमीन। फंक्शन ग्रुप कितना पोजीशन पे है? 1 पोजीशन पे। तो आप चाहे तो यहां पे 1-amine लिख सकते हैं। बात पकड़ में आया? ऊपर भागा, हाँ 2 रहता तो 2 लिखते, हाँ बाकी को लिखना है, लेकिन आप चाहे तो 1 को भी लिख सकते हैं। हो गया? आया समझ में? yes, चलिए CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CL NH2 बनाइए इसका नामकरण। जल्दी प्रायोरिटी टेबल किसको मिला? सिंगल बोन, डबल बोन, फंक्शनल ग्रुप, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, किसको बताइए जल्दी? प्रायोरिटी टेबल किसको में किसको सबसे ज्यादा प्रेफरेंस मिला? फंक्शनल ग्रुप यहां पे कौन है? सीएल या NH2? NH2। तो नंबरिंग दीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 होगा। फॉर्मूला में आइए, सबसे पहले सेकेंडरी प्रेफिक्स कौन है यहां पे? सेकेंडरी प्रेफिक्स कौन है? सेकेंडरी प्रेफिक्स देखो टेबल बनाइए, उसमें दिखाई देता होगा। सेकेंडरी प्रेफिक्स कौन है? कौन है? क्लोरीन। कितना नंबर पे है? 4। सीएल के लिए क्लोरीन लिखते हैं या क्लोरो लिखते हैं? लिखा हुआ है नहीं है? फिर क्या लिखें? प्राइमरी प्रेफिक्स। प्राइमरी प्रेफिक्स किसको निकट करता? साइक्लो। ये साइकिल के फॉर्म पे है तो क्या लिखेंगे? साइक्लो। फिर आगे आइए वर्ड रूट। वर्ड रूट किसको इंडिकेट करता है? नंबर ऑफ कार्बन। कितना? 6 को क्या कहते हैं? फिर आगे आइए प्राइमरी सफिक्स, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। कैसे बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए ANE। फिर सेकेंडरी सफिक्स किसको इंडिकेट करता है? फंक्शनल ग्रुप को। कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है? एमीन। तो ए से स्टार्ट हो रहा है मतलब ई हट जाएगा और यहां पे क्या लिखेंगे? एमीन। क्या नाम बना? 4-chlorocyclohexanamine है कि नहीं? दिमाग को घुस रहा है? डाउट है कहीं पे? ये फॉर्मूला पकड़ के रखिएगा। है ना? इसी के पैटर्न पे हमारा आईपीसी नोमेनक्लेचर लिखा जाता है। समझी बात को?
चलिए थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। लॉन्गेस्ट चैन रूल को, लॉन्गेस्ट चैन रूल का क्या मतलब होता है? जब आप किसी एलिफेटिक्स हाइड्रोकार्बन का नामकरण कर रहे हो तो लॉन्गेस्ट चैन को किस तरह से हम देखेंगे, ठीक? चाहे आप केवल सीधा नहीं देखेंगे, टेढ़ा मेढ़ा भी देख सकते हैं, लेकिन लंबी चैन होना चाहिए। समझ में आया? चलिए ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल भी उठाते हैं हम। CH2 सिंगल बोन, CH2 CH CH2 CH2 CH3 सिंगल बोन CH3। चलिए ध्यान दीजिएगा इधर, कार्बन का लंबा चैन को आप ढूंढ के निकालिए। देखिए कैसे काउंट करेंगे, काउंट कैसे कर सकते हैं आप, 1 2 3 4 5। अगर इधर से काउंट किए तो हमको कितना मिला, 5। लेकिन हमको क्या ढूंढना है, लॉन्गेस्ट है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6। इधर गिने तो 6, इधर गिने तो 5, तो कौन सही है हमारा? ये वाला आपका सही है। इसको किसके नाम से जानेंगे, पेरेंट्स चैन के नाम से जानेंगे, जबकि ये आपका क्या हो गया, सब्स्टिट्यूटेंट हो गया। बात पकड़ी? बात समझ में आया? चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, ये पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, CH3 CH2 CH C CH2 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 CH3 सिंगल बोन, CH2 CH2 CH3 सिंगल बोन, CH2 CH3। चलिए लंबा चैन, लॉन्गेस्ट चैन किधर बनेगा, काउंट कीजिए सब तरफ से। चलिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 किधर, नीचे। तो पेरेंट चैन हमारा कौन चलाएगा, ये दिख रहे हैं आप, ये आपका पेरेंट्स चैन है, जबकि ये और ये दोनों क्या है, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होगा। बात पकड़ी? डाउट तो नहीं है ना? हो गया। और रूल समझिएगा, CH2 सिंगल बोन, CH सिंगल बोन, CH सिंगल बोन, CH3 है, CH2 सिंगल बोन, CH2 सिंगल बोन, CH3 सिंगल बोन, CH3 CH2 सिंगल बोन, CH3। चलिए यहां पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूज में डाल सकता है, लेकिन आप रूल सबसे पहले समझेंगे, ठीक? लॉन्गेस्ट चैन हमको ढूंढ रहा है, 1 2 3 4 5 6 गया कि नहीं, गया। 1 2 3 4 5 6 इधर भी 6, इधर 1 2 3 4 5 6 सब तरफ 6। अब बताइए किसको चूज करेंगे? इस केस में जब आपको दिखाई दे तो आप इसको चूज हमेशा नहीं कर सकते, ये गलत है। समझ पा रही है बात को? यहां भी आपका 6 ही है, यहां भी क्या है, 6 है, यहां भी क्या है, 6। इस तरह का अगर कंडीशन है तो आप हमेशा लॉन्गेस्ट चैन को चूज करेंगे, सीधी लिनियर
चैन को चूज करेंगे। अगर इसको चूज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा, जबकि यहां भी आपका छेद ही आ रहा है। बात पकड़ी? लोवेस्ट नंबर रूल, लोवेस्ट नंबर रूल लिखे, सी एच थ्री सिंगल बोन, सी एच सिंगल बोन, सी एच टू, सी एच टू, सी एच टू, सी एच थ्री, सी एच थ्री। अब बताइए नंबरिंग करना है यहां पर, सबसे पहले तो हमको किसको चुनना है, लंबी चैन को चुनना है। लंबी चैन कितनी है, ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, ठीक होगा। अगर मान के चलो हम इसको चुनते हैं पेरेंट्स चैन, तो नंबरिंग किधर से करेंगे, प्रायोरिटी टेबल में जाइए, सबसे पहला प्रेफरेंस किसको मिला था, फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद डबल बॉन्ड को, फिर ट्रिपल बॉन्ड को, फिर सेकेंडरी प्रेफिक्स को। क्या यहां पे आपका फंक्शनल ग्रुप है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, क्या यहां पे आपका सेकेंडरी प्रेफिक्स है, है कौन, मिथाइल, देखिए सी एच थ्री, तो प्रायोरिटी हम इसको देंगे। तो नंबर जिधर से करेंगे, जिधर से हमारा सी एच थ्री नजदीक हो, बताइए नजदीक किधर से होगा, इधर से होगा या इधर से होगा, किधर से नजदीक होगा, इधर से, इधर से नजदीक का मतलब समझती है कि छोटा नंबर किधर से पुट करना शुरू करें कि इसको छोटा नंबर मिले, लोएस्ट नंबर मिले। ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5 इधर से पुट करते हैं तो इसको कितना नंबर मिलता है, 5 नंबर मिलता है, अब इधर से पुट करते हैं तो 1 2 नंबर मिलता है। तो हमको क्या फाइंड करना है, लोएस्ट नंबर को पाना है, मतलब हम नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से, इधर से, इधर से, इधर 1 2 3 4 5 6, समझ में आया। अगर इधर सब नंबरिंग कर देते हैं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रायोरिटी टेबल में हमको पता है कि अगर कहीं पर क्या उपस्थित हो, सेकेंडरी प्रेफिक्स उपस्थित हो, तो वो जिधर से नजदीक होगा उधर से ही हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। आपको बात समझ में आया या नहीं समझ में आई, रूल में आइए इसका, नोमेनक्लेचर रूल में सबसे पहले किसको लिखना है हमको, फंक्शनल ग्रुप को, सेकेंडरी, सेकेंडरी प्रेफिक्स यहां कौन है, सी एच थ्री है, सी एच थ्री के लिए क्या लिखते हैं, अभी जस्ट पढ़ी है, कितना नंबर पे है मिथाइल, 2 नंबर पे है कि नहीं, उसके बाद क्या लिखते हैं, प्राइमरी प्रेफिक्स, प्राइमरी प्रेफिक्स किसको इंडिकेट करता, साइकिल को, क्या ये साइकिल में है, तो वो नेगलेक्ट, उसके बाद वर्ड रूट, वर्ड रूट मतलब नंबर ऑफ कार्बन, कितना कार्बन, 6, नंबर डाले वही कार्बन, कितना, 6 को हेक्स, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम, कैसे बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए एनी, उसके बाद सेकेंडरी किसको इंडिकेट करता है, फंक्शनल ग्रुप, क्या यहां पे फंक्शनल ग्रुप है, नहीं है तो छोड़ देंगे, क्या नाम बना इसका, 2-methylhexane।
बात समझ में आया? नहीं समझ में आई? आया? चलिए ध्यान दीजिएगा, CH3 सिंगल बोन, C सिंगल बोन, CH2 CH2 सिंगल बोन, CH3 सिंगल बोन, CH3 सिंगल बोन, CH3। चलिए सबसे पहले लंबी चेन को चुनिए, इधर 1 2 3 4 5 सब तरफ 5 भी आ रहा है, तो किसी आप एक को चुनना पड़ेगा आपको। इस केस में किसको चुन रहे हैं? इसको चुने। अब नंबर किधर से पुट करेंगे? इधर से कि इधर से? इधर से क्यों? इधर से क्यों नहीं? इधर से हमारा जो सेकेंडरी प्रेफिक्स है वो नजदीक पड़ेगा, जबकि इधर से दूर पड़ेगा, और हमको नजदीक वाला नंबर चाहिए। ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो नंबरिंग करेंगे तो कैसे? 1 2 3 4 5 है कि नहीं? रूल में आइए, नोमेनक्लेचर रूल में सबसे पहले किसको लिखा जाता है? सेकेंडरी प्रेफिक्स। सेकेंडरी प्रेफिक्स यहां कौन? सेकेंडरी प्रेफिक्स कौन? मिथाइल है कि नहीं है? ध्यान से समझिएगा इसको, मिथाइल काय को? मिथाइल ये कितना पोजीशन पे है? कौन सा पोजीशन पे है? और ये वाला? दोनों। तो कैसे लिखेंगे? 2 2, दो जगह है ना, ये भी आपका 2 में है और ये भी 2 में है, दो बार, दो के लिए डाई। समझ पाई? क्या नाम लिखे? 2 2 डाई मिथाई, उसके बाद साइक्लो। क्यों नहीं? क्योंकि ये साइकिल फॉर्म पे नहीं है। उसके बाद वर्ड रूट। वर्ड रूट कितना? पेन। उसके बाद एएनई। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप। क्या फंक्शनल ग्रुप है यहां? तो छोड़ते हैं। क्या नाम बना इसका? 2 2 डाई मिथाइल, ये डाई है, डाई मिथाइल पेंटेन। नहीं समझ में आया? आया। आगे ध्यान दीजिएगा, CH3 सिंगल बोन, CCH3 CH2 सिंगल बोन, CH सिंगल बोन, CH3 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 CH3। चलिए पहले लंबी चेन को ढूंढिए, बताइए लंबी चेन किसको लेके चले? इसको आप ऊपर भी ले सकते हैं, नीचे भी ले सकते हैं, दो सब इक्वल है कि नहीं? अब यहां पे सवाल कि यहां पे कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है? डबल बोन लगा हुआ है? ट्रिपल बोन लगा हुआ है? क्या यहां पे सेकेंडरी प्रेफिक्स लगा हुआ है? तो सेकेंडरी प्रेफिक्स जिधर से नजदीक होगा उधर से हम नंबरिंग करते हैं, तो यहां भी आपका और यहां भी लगा हुआ है। अब सवाल उठती है कि नंबर आप किधर से करेंगे? बताइए, इधर से नंबर, इधर से नंबर। मेरा बात ध्यान से सुनेगी कि इस केस में नंबरिंग हम उधर से करते हैं जिधर ज्यादा आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स उपस्थित हो। मेरा बात पकड़ी? नंबरिंग हम किधर से स्टार्ट करेंगे? जिधर ज्यादा की संख्या में सेकेंडरी प्रीफिक्स उपस्थित हो। ध्यान से देखो, इधर कितना है? 1। इधर कितना है? 2। नहीं समझ पाए? तो नंबरिंग
इधर से कि इधर से, इधर से क्यों इधर से, क्योंकि इधर ज्यादा हमारा प्रीफिक्स है और वो हमारा लोएस्ट नंबर को पा रहा है। समझ में आया? तो कैसे ये हो गया आपका 1 2 3 4 5, ठीक। फॉर्मूला में आइए, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, है कि नहीं है? है नहीं है? ये मिथाइल कितना नंबर पे? 2 नंबर पे। ये मिथाइल कितना नंबर पे? 2 नंबर पे। ये मिथाइल कितना नंबर पे? 4 नंबर पे। कितना जगह? 3 जगह को क्या ट्राई लिखते हैं? तो क्या नाम बना? 2 2 4 ट्राई मिथाइल, ठीक। 5 है तो पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो AN। कंफ्यूज में डाल रहा है क्या? गड़बड़ तो नहीं है ना? क्लियर? आगे थोड़ी सी बातें और याद ध्यान दीजिएगा। CH 3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH 2, सिंगल बॉन्ड CH 2, सिंगल बॉन्ड CH 3, सिंगल बॉन्ड CH 2, CH 3, सिंगल बॉन्ड CH 2, CH 2, CH 3। चलिए बताइए जल्दी, काउंट कीजिए सबसे लंबा चैन को। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, उधर जाएंगे तो 7, पैरेंट्स चैन आपका ये बना, है कि नहीं? अब नंबरिंग की बात आती है तो नंबर बताइए इधर से, किनिए 1 2 3 4, इधर से काउंट कीजिए 1 2 3 4। इस केस में आप फ्री हैं, किधर से भी आप नंबरिंग कर सकते हैं, दोनों ओर क्या है? इक्वल है। बात पकड़ रही है मेरा? हम क्या बोलना चाह रहे हैं यहां पे? बताइए नंबर किधर से करें, जिधर से आपको मर्जी। इस केस में 1 2 3 4 5 6 7, है कि नहीं? ध्यान दीजिएगा, ये आपका मिथाइल, ये आपका इथाइल, नहीं है सी2H5। अल्फाबेटिकली ऑर्डर आप जानते हैं, ABCD। ये स्टार्ट किससे हुआ? M से। मिथाइल का पहला लेटर M, इथाइल का पहला लेटर E। ABCD बोलते हैं तो इस दोनों में फर्स्ट किसका लेटर आएगा? E। तो जिसका फर्स्ट लेटर आएगा उसको पहले लिखेंगे। कौन पहले आया? E फॉर इथाइल। कितना नंबर पे है? इसका नाम क्या होगा? 4 इथाइल, फिर 4 मिथाइल लिखेंगे, फिर वर्ड रूट 7 को क्या कहते हैं? हैप, सिंगल बोन ANE, ये इसका नाम। 4 इथाइल 4 मिथाइल हैप्टेन, समझी बात को? नहीं गड़बड़ होगा? डाउट है? नहीं है डाउट? एक लास्ट क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को, बनाइएगा। लिख लीजिए क्वेश्चन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, CH, CH2, CH3, CH2, CH3, CH2, CH2, CH3। जल्दी से नामकरण बताइए इसका। लंबी चैन किधर? लंबा चैन हम कीजिए 1 2 3 4 5 6, इधर से 6 गया, 1 2 3 4 5 6 गया, 1 2 3 4 5 गया, 1 2 3 4 5 6,
एक दो तीन चार पांच छह सात गया, सात गया उधर, छह गया, बताइए लंबा कौन? ये लंबा है आपका किन? ये नहीं है लंबा, बात पकड़ में आ रहा है मेरा? हम क्या बोलना चाह रहे हैं यहां पे? लंबी चैन। अब नंबरिंग किधर? जल्दी नंबरिंग किधर से? दोनों साइड से कर सकते हैं, दोनों इक्वल नंबर आ रहा है तो कर दो। इधर से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, बात पकड़ी? हाँ दोनों साइड से वही होगा, ठीक। चलिए ये आपका क्या? इथाइल, और ये मिथाइल, नहीं है? कितना नंबर पे है इथाइल? पहले मिथाइल लिखेंगे कि इथाइल लिखेंगे? क्यों? अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ई पहले आता, तो फोर इथाइल, फिर थ्री मिथाइल, सात तक गया, हेप, सब जगह सिंगल बोन ए एम ई। डाउट है? आपके बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, ठीक, आप उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, क्लियर। कल हम लोग फिर से देख आगे चलेंगे नोमेनक्लेचर में, कि अगर आपको कोई नोमेनक्लेचर का नाम लिखा हुआ है तो आप उसका स्ट्रक्चर किस तरह से बनाएंगे, क्लियर। फिर हम लोग धीरे धीरे करके फंक्शनल ग्रुप सब में आएंगे, क्लियर। तो चलिए आज केमिस्ट्री यहीं पे समाप्त करते हैं।